दोस्तों अभी अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली है कि बाड़मेर के सिंदरी रोड पर एक ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बस की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। एक ट्रक खाद से भरा हुआ जा रहा था, इस दरमियान एक पीछे से निजी बस जो है स्लीपर बस उस ट्रक के अंदर घुस गई, जिससे बस का आगे का हिस्सा है वो टूट गया है और ट्रक भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन इस हादसे में गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की किसी को कोई चोटें नहीं लगी है, हालांकि जो बस का चालक है उसको हल्की चोटें लगी है और इसके साथ कुछ और भी लोग थे, बस में सवार थे। और ट्रक जो है वो खाद भरकर बाड़मेर से सिंदरी की तरफ जा रहा था और आगे जो कुड़ला से ठीक पहले जो गोलाई है उस गोलाई के पास एक ट्रक के पीछे से स्लीपर बस घुस गई, जिससे ट्रक और बस दोनों ही पास हाईवे से नीचे उतर गई और कंटीली झाड़ियों में घुस गए। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रक जो है वो आगे जा रहा था, इस दरमियान बस ओवरटेक करने के चक्कर में कर रही थी, जैसे ही सामने से एक डंपर आता दिखा तो बस चालक ने बस को ब्रेक कर दिया और इस दौरान असंतुलित हो गई और इस ट्रक के अंदर घुस गई, जिसके बाद आप देखिए ट्रक के क्या हालात हो गए हैं। पूरी तरीके से जो ट्रक के टायर है वो भी निकल करके बाहर आ गए हैं और बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस बस में सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय कोई सवारियां नहीं थी। ऐसा बताया जा रहा है कि बस सर्विसिंग करवाने के लिए बाड़मेर लाई गई थी और वापस उसे ले जाया जा रहा था, इस दरमियान ये हादसा हुआ है। क्या हालात हो गए हैं दोनों बड़े वाहनों के, तो आप देखिए ये एक लापरवाही की तस्वीर जो आप देख रहे हैं। लेकिन गनीमत ये है कि किसी के कोई लगा नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई। उम्मीद करते हैं कि सब लोग इस प्रकार की घटनाओं को देखने के बाद सावधानी पूर्वक अपने वाहन चलाएंगे, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे हादसे होते रहे हैं जिसमें ओवरटेक के चक्कर में अपने वाहनों को इस तरीके से चलाते हैं जिससे इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। आगे जो यहाँ पर ट्रक चालक है उससे भी हम बात करेंगे कि कैसे क्या हादसा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ भी उमड़ी है और किस तरीके से ये हादसा जो हुआ है इसके बारे में भी हम आपको इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बाड़मेर के रिको थाना क्षेत्र के कुड़ला फांटा से ठीक पहले सिंदरी रोड पर यह हादसा हुआ है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और बस में कोई सवारियां नहीं थी, इस दरमियान किसी को कोई चोटें वगैरह नहीं आई। अब ट्रक चालक ने और उसके साथ जो लोग थे उन्होंने इस पूरे हादसे को लेकर क्या कहा है, जरा सुनिए। मारा नाम है मुमताज को है और बाट मेरा धान को नहीं हिंदी जोड़ में जा था लारे बस आई और अटिंग सेट दबाई बस हम आए डंपर डंपर आने के बजे हमारी गाड़ी ऐसे ऐसी करा दी पूरी गाड़ी भंगा दी की भरोड़ो तो हाथ भरोड़ी है अभी कहीं भरोड़ो हाथ भरोड़ो कौन से हाथ भरोड़ो है इसी होने जा था कौन करू है हाँ सो कौन करी गाड़ी और अटिंग बस आड़ साइड दबा देना बस वही हो लागे आगे तो लागे कोई मार गाड़ी पूरी खत्म हो गई क्या हम डंपर आया तो बस आई और टाइम मारे साइड से भाई बस और टाइम चक्कर में था लोगों ने गाड़ी खत्म करा दी बस में निकल लगी बस में गाड़ी खुला दी बस में पुलिस आई थी पुलिस रात आई थी पुलिस चौकी आया था। सर क्या नाम है आपका, क्या हुआ था काम? मेरा नाम हबीब खान है। वो रात को हम आ रहे थे बाड़मेर से, तो यहाँ से जो ये डिओडर पार किया उस समय ये मोड़ तो है आपको भी मालूम है, उनके पीछे हमारी गाड़ी 40 की स्पीड थी, ये हमारा बड़ा भाई चला रहा था, तो उनके बाद ये बस वाले जो थे उनकी करीबन 100 से भी बार स्पीड थी। तो जैसे ये बस हमारी गोलाई के अंदर गाड़ी आई, ये बस आई पीछे से, जैसे ये बस नहीं सामने गाड़ी आ गई, नंबर था या कुछ भी गाड़ी थी हमने नहीं देखा, जो भी थी गाड़ी थी उस गाड़ी टक्कर लगी डंपर वाले से टक्कर लग गए, फिर गाड़ी वहां से इनका बैलेंस बिगड़ गया, फिर जो हमारी गाड़ी थी उनके अंदर आ गई घुसी, तो हमने जो ये पीछे जो बाउल था वो इन बाउल के ऊपर चढ़ा दी गाड़ी, बस के चक्कर में भजीट लगने से जैसे हमारी गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी है, करीबन 3-4 लाख का नुकसान हो चुका है और ये बस वाले भाग गए, कुछ भी नहीं यहाँ पर बस वाले बिल्कुल पूरी गलती बिल्कुल बस खाली थी, उसमें कोई नहीं था, एक दो ड्राइवर थे या खालासी था, उनकी वजह से बस पूरी सरासर गलती बस वाले की, किसी
अगर ये हमारी गाड़ी थी, हमने तो ये सोचा, इसने ने सोचा कि भाई बस के अंदर सवारी है, लाखों करीबन 100 आदमी तो होंगे ही होंगे, इसकी वजह से बस इसको बचा ले, इसकी वजह पूरी बस वालों की गलती की वजह से ही हादसा हुआ है। तो ये हादसा हुआ उसमें बस में सवारी भी थी? नहीं, कुछ भी, बिल्कुल खाली थी। जैसे ही इसका मालिक बता रहा था कि बस काम करवाने गई थी और ड्राइवर और एक कनेक्टर था और कुछ नहीं, दो ही ड्राइवर भाग गए और कनेक्टर यहाँ रात भर यहाँ था और पुलिस वाले आए थे कल रात को, शाम को आए थे, करीबन ये हादसा हुआ उस टाइम और पुलिस वाले आके बता के चले गए, वो यहाँ सो जाओ सुबह कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो हमारे पास कोई आया नहीं है, लेकिन जो हमारा ये आपको भी नजर आ रहा है कि हमारे जो पूरी नीचे से गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी है और ये पूरा हादसा हो चुका है।